बरेली में होली के त्यौहार से पहले गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाए जाने पर महानगर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया, जहां केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही कहा कि मोदी सरकार लगातार महंगाई की मार देश के नागरिकों पर थोप रही है। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए गैस की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ACM प्रथम को ज्ञापन सौंपा। आज कांग्रेस की तरफ से एक हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। ये BJP की सरकार ने होली के त्यौहार पे जिस तरीके से इन्होंने गैस के सिलेंडर के दाम, इस पे उम्मीद नहीं थी, 50 रुपये इन्होंने गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं। और तो और जो बेचारे हमारे व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग को भी परेशान करने के लिए 350 रुपये बढ़ाए हैं। ये क्या उचित है कि आपने जो है होली के टाइम, जब आपको थोड़ा सा हमारी मदद करनी चाहिए, जनता की मदद करनी चाहिए, उसकी जगह आपने इतना पैसे बढ़ाए हैं। आज कांग्रेस महानगर कांग्रेस बरेली की तरफ से हम लोग ये ज्ञापन देने आए हैं महामहिम को कि जिस तरीके से ये BJP की सरकार अपना तरीके से काम कर रही है और ये जिस तरीके से हमेशा जन विरोधी काम कर रही है, उसका ज्ञापन देने के लिए हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए देने आए हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर।